जब से हमने ये हाउस बाइंग के वीडियोस डालने स्टार्ट किए हैं, सबसे जो कॉमन क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपने घर कहाँ खरीदा है, कनाडा में किस जगह पे खरीदा है। सो वो एक सेपरेट टॉपिक है ऑल टुगेदर, क्योंकि जब आप घर खरीदने जाओगे कनाडा में, आपको सबसे पहले फाइनलाइज करनी पड़ेगी किस एरिया में आपको घर खरीदना है। सो आज सारे पॉइंट्स उसी बारे में शेयर करेंगे कि आप कैसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कि कहाँ पे आपने घर लेना है एंड क्या क्राइटेरिया होने चाहिए जब आप घर लेने जा रहे हो, तो क्या आप देखोगे उस एरिया में, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट देखोगे। सो आज भी दोबारा से हम गार्डन सेंटर जा रहे हैं, मैडम को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई अभी जो हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में जो भी हमने क्या लेना आज तुमने सामान। आज मैंने अपने जो फ्लावर्स लिए थे उनको हैंग करने के लिए रॉड लेनी है, वो मुझे कहीं नहीं मिल रही, बहुत जगह चेक कर लिया, बट आई थिंक पूरा कनाडा लगा हुआ है अपनी खेती बाड़ी करने में और इस वजह से हमें सामान नहीं मिल पा रहा। सो लेट्स सी वहाँ पे मिलती है कि नहीं, बट आई हर्ड कि वहाँ बहुत कॉस्टली होगी अगर मिलेगी भी, पर अगर अच्छी हुई तो मैं ले लूँगी। वीडियो लेकिन हम कंप्लीट करेंगे, चाय गार्डन सेंटर में आज काम बने ना हमारे, सो लेट्स गो। एंड अपने इसी सिटी में आज हम बहुत सारे स्टोर जाने वाले हैं, संडे है तो घर सेट करने के लिए अभी और भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है, सो उससे भी रिलेटेड आपको बताएंगे, पूरा टाउन घूमेंगे, क्या क्या आपको देखना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, सो सारा कवर करते हैं आज। जब आप घर लेने का सोचते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि आपको कौन सी कम्युनिटी में घर लेना है। सो यहाँ पे कहने को टोरंटो और जीटीए बहुत बड़ा है, बट फिर भी बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही है। सपोज हमें अगर इंडियन कम्युनिटी में घर लेना है तो हम उस स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट करेंगे। सबसे इजी तरीका जो है ऐसी चीजें चेक करने का कि उस एरिया में कैसे लोग रहते हैं, वो है वहाँ के स्टोर्स में जाके देखने का। आप वॉलमार्ट चले जाओ, आप नो फ्रिल्स चले जाओ, आप जो बड़े स्टोर्स हैं उनमें जाके एक बार देखो, घूमो, आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे किस एथनिसिटी के लोग रहते हैं, किस जेंट्री के लोग रहते हैं। सो ये एक बहुत इजी और क्विक फैक्टर है आपको ये डिसाइड करने का कि आपको कौन से एरिया में घर लेना है। एंड आपकी प्रेफरेंस क्या है, सबकी प्रेफरेंस डिफरेंट होती है, राइट? आपको अगर देसी कम्युनिटी में रहना है तो आप किसी और सिटी में जाके रहोगे, आपको अगर मिक्स कम्युनिटी में घर लेना है आप डिफरेंट उसमें जाओगे, लेट्स से स्कारब्रो में जो कि हमने सुना है जैसे श्रीलंकन कम्युनिटी ज्यादा है, सो कोई श्रीलंकन होगा वो वहां जाना प्रेफर करेगा मे बी। सो बहुत सारे क्राइटेरियस हैं, ये एक तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हो। तो लेट्स गो, बाकी के पॉइंट्स भी इसके बाद शेयर करते हैं आपसे। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं मिला, दूसरे तो बहुत बड़े बड़े बट वो बहुत महंगे भी थे और मुझे तो चाहिए वो नहीं थे। जेंट्री के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप इस स्टोर की? सो हम ये कहेंगे कि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे मिक्स कम्युनिटी है, हर तरह के लोग हैं, सो विच इज़ लाइक वेरी गुड। हमारा कनाडा आने का सबसे बड़ा एक पॉइंट ये भी था माइंड में कि हम वहाँ हर कम्युनिटी के साथ रहना चाहते हैं। सो आई थिंक वी जस्ट गॉट लकी कि जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ हर कम्युनिटी के लोग हैं, सो मिक्स्ड में मज़ा ही आता है बहुत। आज मैं वो गार्डन का आइटम लेके ही घर जाऊंगी चाहे हमें कितने स्टोर जाना पड़े। अब हम चेक करें एक बार ही कैनेडियन टायर में, होपफुली यहाँ मिलेगा। एक और कैनेडियन टायर भी बहुत बड़ा स्टोर है, आप देख सकते हो कि आपके एरिया में सारे बड़े स्टोर्स हैं कि नहीं, वॉलमार्ट, कैनेडियन टायर, होम डिपो एंड ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर में जाके भी आपको बहुत आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप का क्राउड है वहाँ पे जिस एरिया में आप घर लेना चाह रहे हो। मिल गई फाइनली, कुछ और मांग लिया था वैसे आज। तो अगर आप घर लेने का माइंड बना रहे हो तो स्टार्ट विजिटिंग डिफरेंट स्टोर्स कहीं नई जगह पे ताकि आप ग्रोसरी शॉपिंग करो। आपको एक ही आइडिया भी हो जाएगा कि आपको जो सामान चाहिए होता है, मे बी इंडियन मसाले वगैरह, वो उस एरिया में मिलते हैं कि नहीं। मतलब ये ना हो कि आप कहीं ऐसी जगह घर ले लो जहाँ से आपको अपना इंडियन स्टफ लेने के लिए कहीं बहुत दूर ट्रैवल करना पड़े। अब स्टोर्स में जाके आपने शॉपिंग भी कर ली और जेंट्री भी देख ली, बट ऐसा ना हो कि जो एरिया आपको पसंद आ रहा हो वो आपकी बजट से बाहर हो। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है अराउंड बजट। आपको इनिशियली घर लेने से पहले अपने फाइनेंसेस देख के, अपनी इनकम देख के डिसाइड करना होगा कि आपको क्या बजट सेट करना है अपना पहला घर लेने के लिए। सो आपका एक बजट आ जाएगा लेट्स से 600,000। सो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस एरिया में घर लेना है और 600,000 का घर लेना है। सो आपके पास दो क्राइटेरिया आ गए, उसके अकॉर्डिंगली आप फिर शॉर्टलिस्ट करोगे कि पांच एरिया मैंने सिलेक्ट करे थे बट उसमें दो ही रह गए बिकॉज बाकी तीन एरियाज में महंगे घर है, राइट? 6 लाख के ऊपर के घर है, 6 लाख राखी सावंत की तरह बोल रहा हूँ, 6 लाख के ऊपर के घर है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप 6 लाख का आपका बजट है, आप स्पेसिफिकली मे बी आप हैमिल्टन एरिया शॉर्टलिस्ट कर रहे हो, वहाँ पे आपको डिटैच और सेमी डिटैच मिल रहा हो, बट अगर आपको डाउनटाउन के जितना पास लेना है वहाँ आपको 6 लाख में आई थिंक
हार्डली एक टाउन हाउस मिलेगा। सो वो एरिया वाइज आपके ये भी क्राइटेरियाज होने चाहिए कि आपको किस तरह का घर लेना है। क्या आपको एक टाउन हाउस लेना है, क्या आपको कॉन्डो लेना है, क्या आपको सेमी डिटैच लेना है या डिटैच लेना है। थर्ड जो आपका फिल्टर आएगा वो आएगा ऑफिस कम्यूट आपका कितना दूर है। अगर आप लेट से ब्रैम्पटन में जॉब करते हो तो आप ब्रैम्पटन के आसपास लेने का सोचोगे। लेट से आपको ब्रैम्पटन में ही जॉब करनी है नेक्स्ट 5 या 10 ईयर्स, सो आप कर चुके हो कि मैं ब्रैम्पटन में अभी जॉब कर रहा हूँ और मैं ब्रैम्पटन में ही रहूंगा। सो आप फाइनलाइज कर सकते हो कि मेरे को ब्रैम्पटन में ही घर लेना है 6 लाख का। और आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आपको जेंट्री भी पसंद है, आपको आपके बजट में भी आ रहा है और आपके ऑफिस के भी आसपास है। लेकिन आपको लगता है कि आपका डाउनटाउन के आसपास आपका ऑफिस है और आप मोस्टली आप डाउनटाउन में ही जॉब करना चाहते हो, सो फिर आप डाउनटाउन के आसपास का एरिया देखोगे। सो कम्यूट इसलिए बहुत बड़ा पॉइंट है बिकॉज जब भी कोई घर लेता है वो सोचता है कि 6 लाख का घर है, बट अगर उसका जॉब डाउनटाउन में है और ब्रैम्पटन में घर लिया है तो हम कम्यूट की कॉस्ट नहीं जोड़ते हैं। आप इमेजिन कर लो कि 600 अप्रोक्सीमेटली 600 गो ट्रेन का खर्चा है एक महीने का एक बंदे का। आप उसको मल्टीप्लाई करो 12 मंथ से और आप उसको फिर मल्टीप्लाई करो 5 से बिकॉज एटलीस्ट 5 साल तो एक बंदा घर पे रहता ही है। सो एक साल का कॉस्ट अराउंड 6000 हो गया एंड पूरे 5 साल का अगर आप कॉस्ट लगाओगे तो 30000 के आसपास हो गया। सो विच मीन्स अगर आपको पास में घर मिल रहा है अपने ऑफिस के 630 का, सो वो महंगा नहीं है आपको क्योंकि आपका वो 30000 5 साल के अंदर कवर हो जाएगा। सो ये कम्यूट भी बहुत जरूरी पॉइंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड आई थिंक अमाउंट के अलावा अगर आप देखो टाइम, आपका टाइम कितना सेव होगा अगर आप अपनी ऑफिस लोकेशन के पास घर लोगे। या प्रेफरेंस है वो आपकी, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो कि नहीं ठीक है मैं 2 घंटे ट्रैवल कर लूंगा बट मुझे अच्छा घर चाहिए, सस्ता घर चाहिए, सो वो आपकी प्रेफरेंस है। किसी की प्रेफरेंस ये होगी नहीं मुझे तो ट्रैवल कम करना है, चाहे मैं 50000 एक्स्ट्रा पे करके मैं अच्छा घर ले लूं। बट ट्रैवल टाइम के अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है, जैसे हमारे केस में इवन दो हमारा घर डाउनटाउन से काफी दूर है लेकिन कम्यूट वाइज जो ट्रेन चलती है यहाँ से वो एक्सप्रेस ट्रेन्स है। सो हमें टाइम सेव हो रहा है हमारा वहाँ पे, हमें फ्रीक्वेंसी वाइज भी बहुत क्विकली हर 15 मिनट्स में ट्रेन मिल रही है। सो इसलिए वहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं लेकिन हमें वो फैसिलिटी मिल रही है। और ये सब हमने घर लेने से पहले देखा था कि यहाँ से कम्यूट कैसे है डाउनटाउन का, बिकॉज इवेंचुअली हमें डाउनटाउन में ही जॉब करनी है, मोस्टली सारी कंपनीज वहीं पे हैं। सो इसलिए हमने पहले देखा कि यहाँ से हमें ट्रैवल टाइम कितना लगेगा, वो सब डिसाइड करके हमने शॉर्टलिस्ट किया था एरिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्यूट। फोर्थ क्राइटेरिया, जैसे पहले के वीडियो में भी आपको बताया कि एक्चुअल जो आपकी घर की कॉस्ट होती है उसके अलावा भी बहुत सारी कॉस्ट आपको क्लोजिंग के टाइम पे और पर ईयर आपको बेयर करनी पड़ती है। उनमें से एक सबसे बड़ी कॉस्ट है प्रॉपर्टी टैक्स और आपकी ऑटो इंश्योरेंस और आपकी होम इंश्योरेंस। सो ऑटो इंश्योरेंस की अगर आप बात करो तो GTA में बहुत ज्यादा है वो, स्पेशली इन ब्रैम्पटन मिसिसागा बहुत ज्यादा है, इन एरियाज में मे बी स्कारब्रो में भी ज्यादा है, मार्कम में भी ज्यादा है। सो अगर आप पर मंथ लेट से मेरी अराउंड $120-$130 इंश्योरेंस है, लेकिन ब्रैम्पटन में मैंने सुना है कि कई लोगों की इंश्योरेंस $400 पर मंथ भी है। सो $400 अगर आप दे रहे हो इंस्टेड ऑफ 150 आप $250 एक्स्ट्रा दे रहे हो पर मंथ, जो कि आप मल्टीप्लाई करो अगेन 12 से एंड देन 5 ईयर से, वो भी आप कॉस्ट एक्स्ट्रा पे कर रहे हो अगर आप किसी एरिया में ले रहे हो जहाँ पे इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा है। प्रॉपर्टी टैक्स की बात करो, जैसे जिस एरिया में हम रह रहे हैं यहाँ पे 0.7% है अप्रोक्सीमेटली, मिसिसागा में 0.8% है, ब्रैम्पटन में 1% प्रॉपर्टी टैक्स है। सो वो एक ईयर की सबसे बड़ी कॉस्ट होती है, अराउंड 4-5000 के आसपास आई जाती है। सो वो भी एडिशनल कॉस्ट आप मान के चलो। जब आप प्राइस अपना फिक्स कर रहे हो कि मुझे इस रेंज तक का घर चाहिए तो जिस एरिया में आप फाइनलाइज कर रहे हो उसका प्रॉपर्टी टैक्स भी ऐड करो कि हर साल आपको ये प्रॉपर्टी टैक्स अलग से देना ही देना है। तो बाहर का हमें एरिया दिखाना है इसलिए हम एक रिजर्वेशन पार्क में आए हैं रिजर्व करके, ऑब्वियसली $13 की टिकट है इसके आसपास। ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि आपके जहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हो एरिया वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी कितनी है, वहाँ पे पार्क्स कितने हैं, वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए कितने ग्राउंड्स हैं। सो जिस एरिया में हम है वहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट ग्राउंड भी है, टेनिस ग्राउंड भी है, हम टेनिस भी खेलते हैं, आपने देखी होगी इंस्टाग्राम स्टोरीज। सो अब पूरा वीडियो हम इसी रिजर्वेशन में कंटिन्यू करते हैं। मे बी ये एक माउंटेन पे है तो शायद माउंटेन से हम पूरी सिटी भी दिखा पाए जिस सिटी में हमने घर लिया। सो चलते हैं आपको नेचुरल ब्यूटी दिखाते हैं। मैप होना बहुत जरूरी है, खो ना जाए कहीं। अनदर बिग फैक्टर व्हाइल डिसाइडिंग हाउसेस के अगर आपके किड्स हैं
तो जिस एरिया को आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हो उसके आसपास जो स्कूल्स हैं आपको उनकी रेटिंग देखनी पड़ती है। सो आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाके चेक कर सकते हो कि जो स्कूल्स उस एरिया में हैं वहाँ की रेटिंग कैसी है, वहाँ कैसा क्राउड है। सो ये आप अगेन प्रो टिप है, आप यूज़ कर सकते हो। और जिस एरिया में हमने घर लिया है वो हॉल्टन रीजन में आता है, सो यहाँ के स्कूल्स की रेटिंग टॉप में आती है। सो जो टोरंटो और जीटीए के बेस्ट स्कूल्स हैं उनमें हॉल्टन रीजन के स्कूल्स आते हैं। सो दैट्स अगेन अ ग्रेट फैक्टर टू डिसाइड। सांस फुल ही है लेकिन पॉइंट पूरा कम्प्लीटली बोलना है। हाँ, डेडिकेशन। हाँ, तो हमारे घर के पास है ये कंजर्वेशन एरिया। फर्स्ट टाइम आए हम यहाँ पे, बट ऐसा लग रहा है कि हम खो गए हैं, कोई नहीं दिख रहा हमें यहाँ दूर दूर तक। अब पता भी नहीं है ये ट्रेल कहाँ जा रही है। तो थोड़ा सा हॉन्टेड वाली फीलिंग भी आ रही है क्योंकि हमने कल ही मूवी देखी थी बुलबुल। वहाँ भी ऐसे ऐसे वो होता है जंगल में, वहाँ पे एक चुड़ैल आती है जिसके उल्टे पैर होते हैं। अबे तुम बंद करोगे अपनी बकवास। तो ट्रेल पे जाते हुए एक बहुत अच्छी जगह लुकआउट पॉइंट मिला है हमें, जहाँ से सीधा सामने सीएन टावर दिख रहा है और लेफ्ट साइड में मिसिसागा के ट्विन टावर्स दिख रहे हैं। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि है प्रॉक्सिमिटी टू मेजर सिटीज। सो यहाँ से हाँ ऑफ कोर्स कितना सही भी हो जा रहा है, कैमरे में नहीं आएगा बट पॉइंट आ जाएगा क्योंकि हमारी ऑडियो तो आ रही है। सो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि मेजर सिटी के पास आपका घर है कि नहीं। लेट्स से आप नायगरा फॉल्स में घर ले लेते हो बट आपकी डाउन टाउन में है, और मेजर सिटीज जहाँ पे सब कुछ इवेंट्स होते हैं, सारे ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं इंडियन देसी, वो ब्रैम्पटन मिसिसागा में है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो जाएगा। सो इसलिए आप ऐसे एरिया सेलेक्ट करो जो पास में, लेट्स से हमारे टाउन से 30 मिनट्स की ड्राइव है, मैक्सिमम 30 मिनट्स की ड्राइव है ब्रैम्पटन, मैक्सिमम 25 मिनट्स की ड्राइव है मिसिसागा जो मेजर है, 15-20 मिनट्स ओकविल। कम्यूट हमें मैक्स टू मैक्स 60 मिनट्स में हम डाउन टाउन पहुँच जाते हैं गो ट्रेन लेके। सो मेजर सिटीज़ के आसपास है और नायगरा भी बिल्कुल पास में है, नायगरा भी वन आवर के बीच में पहुँच जाएंगे 60 मिनट्स की ड्राइव। सो ये क्राइटेरिया भी आप डालोगे जब आप प्लेस डिसाइड करोगे, और आपकी प्रेफरेंस है। हमारी प्रेफरेंस ही मेजर सिटी के पास रहना, मे बी आपकी ना हो, फिर आप जा सकते हो किचनर, कैम्ब्रिज जा सकते हो, नायगरा फॉल जा सकते हो, बहुत विटबी एजैक्स ईस्ट में जा सकते हो। सो वो डिपेंड करता है, हमारी प्रेफरेंस ही मेजर सिटी के आसपास रहना, दैट्स व्हाई वी चोज दिस डेस्टिनेशन। देख ही रहे हो यहाँ पे पास में ही है मिसिसागा, यहाँ से बहुत पास लग रहा है लेकिन यहाँ से 45 मिनट से भी ज्यादा की ड्राइव होगी। और कुछ लोगों की ऑन द अदर हैंड प्रेफरेंस ये होती है कि वो मेजर सिटीज के पास ना हो के मेजर सिटीज में होना चाहते हैं, मे बी आपको पसंद होगी आपको डाउन टाउन में ही घर लेना है तो आप कॉन्डोज के लिए ऑप्ट कर सकते हो, बट ऑब्वियसली वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपको वो एरिया और वो चहल पहल पसंद है तो गो फॉर इट। नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले व्यू देखो यहाँ से बिना कैमरा गिरा है। फाइनली हम उस लुकआउट पॉइंट पे आ चुके हैं जिसके लिए हम इतनी दूर से चलते हुए आ रहे हैं, जो कि है ये। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपको क्या क्या दिखता है। यहाँ पे आपको सिटीज दिखती हैं बहुत सारी, ब्रैम्पटन दिख सकता है आपको यहाँ से, मिल्टन दिख रहा है, एयरपोर्ट दिख रहा है, ब्रॉन्टी क्रीक, मिसिसागा, टोरंटो, मतलब सब कुछ देख सकते हो आप यहाँ खड़े होके। अब वो फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल है बट कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे, इतना पुराना बोर्ड लगा हुआ है। सो इट्स ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्राइटेरिया ओल्ड वर्सेज न्यू हाउस। तो आपको एरिया का डिसाइड करना है, कुछ एरियाज हैं जो बहुत न्यूली बिल्ट हैं, जैसे हमारा एरिया है उसमें सारी न्यू कम्युनिटी है, न्यू हाउसेस हैं, बिल्डर न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहा है। कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे पुराने ही घर होते हैं, 15-20 साल पुराने घर होते हैं। सो ये भी आप एक क्राइटेरिया में डालोगे कि जिस एरिया में आप घर लेना चाहते हो वहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन है और आपकी प्रेफरेंस क्या है। मे बी आप पुराना घर लेना चाहते हो क्योंकि वो थोड़ा सस्ता मिलेगा आपको, अगर न्यू कंस्ट्रक्शन चाहते हो तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, तो फिर आप वो एरिया अपने फिल्टर से निकाल दोगे और जिस एरिया में न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको आप कंसिडर करोगे। सो लास्ट पॉइंट जो है वो हमारे लिए बहुत मैटर करता था, पता नहीं आपके लिए मैटर करेगा नहीं करेगा, आप अपनी प्रेफरेंस में ऐड कर सकते हो अगर आपके लिए मैटर करता है, तो वो बिल्डर कौन सा है। जैसे हमें न्यू कंस्ट्रक्शन हम टारगेट कर रहे थे और बिल्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेट्स से मैटमी बिल्डर है, ग्रेट गल्फ है, कंट्री होम्स है, प्री माउंट है, बहुत सारे बिल्डर्स हैं, लेकिन बहुत बिल्डर्स की क्वालिटी खराब होती है, बहुत बिल्डर्स की क्वालिटी जो बिल्ड क्वालिटी होती है जो वो मटेरियल करते हैं बहुत अच्छी होती है, एंड जिस टाइप के वो हाउसेस बनाते हैं जो उनका स्ट्रक्चर होता है हाउस का वो बहुत मैटर करता है। सो लेट्स से मैटमी का घर होगा वो सारे एक स्ट्रक्चर के होंगे, मोस्टली एक जैसे ही होते हैं, ग्रेट गल्फ के उनका डिफरेंट होता है, थोड़ा सा उनका तरीका डिफरेंट होता है बनाने का। सो हमने शॉर्ट लिस्ट किए थे जो टॉप 3 बिल्डर्स थे, उनका ही फर्स्ट ऑब्वियसली ग्रेट गल्फ किया था, बहुत अच्छा बिल्डर है, महंगा भी है बट उसका हमें नहीं मिल पाया।
कुछ बिल्डर्स बहुत कम रेट पे आपको घर नए घर दे सकते हैं, बट उसमें ये होगा कि ऑब्वियसली जो क्वालिटी होगी घर में, जो चीजें लगी होंगी उसकी क्वालिटी नहीं होगी. सो डाउन द लाइन आपको वो पता चलेगा जब आपको उस पर खर्चा करना पड़ेगा और आपको कुछ रेनोवेट कराना होगा. सो ऑलवेज गो फॉर सम क्वालिटी बिल्डर्स. अभी आप इनिशियली सेव कर लोगे पैसे, बट डाउन द लाइन अगर आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, हमने करा हुआ है, हमें बाद में कुछ चीजें ऐड करानी थी, बाद में चीजें इंप्रूव करना बहुत मुश्किल होता है. सो आप एक बार ही लो घर, अच्छा लो, अच्छे बिल्डर से लो. इवन इफ यू टॉक अबाउट कस्टमर सर्विस, जो हमारा बिल्डर है, हम अभी भी उन्हें बहुत चीज़ों के लिए कॉल करते हैं. कुछ भी इश्यूज होते हैं घर में, उनकी सर्विस इतनी अच्छी है कि वो विद इन 1 or 2 days हमारे घर विजिट करके वो चीज़ें फिक्स कर देते हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है नए घर में स्पेशली. और जो बिल्डर मैटर करता है, आप सोच रहे हो कि न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए ही मैटर करता है, नहीं, आप कोई पुराना घर भी लेने जा रहे हो उसमें भी बहुत मैटर करता है. बिकॉज जो अच्छी क्वालिटी का घर होगा, जो अच्छे बिल्डर ने बनाया होगा ना, वो आगे 10-15 साल भी अच्छा ही रहेगा. और जो घटिया क्वालिटी होगा उसमें आपको पता ही है कि सामान ऐसे मटेरियल यूज हुआ होगा, डाउन द लाइन 10 years 15 years उसकी और बुरी हालत हो जाती है. जो हमने एक्सपीरियंस किया, लेट्स से सबसे बेस्ट बिल्डर जो हमें पता है ग्रेट गल्फ है, उसके पुराने भी घर होंगे ना 10 साल पुराने या 5 साल पुराने, वो उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. सो पुराने घर में भी बिल्डर बहुत मैटर करता है. जब आप लोगे तो आप पूछ सकते हो जो भी सेल कर रहा है कि कौन से बिल्डर का घर है, और रियल्टर आपकी हेल्प कर सकता है, आप रियल्टर से भी पूछ सकते हो. और रियल्टर अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो, नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप डिटेल्स फिल कर दो, एंड देन वी विल गेट यू इन टच विद गुड रियल्टर. सो सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं, और ये बहुत अच्छा टाइम है आपको बताने का कि हमने किस एरिया में घर लिया है, जो कि पीछे दिख रहा है आपको पता नहीं चलेगा, बट हमने जो घर लिया हॉल्टन रीजन में लिया है, मिल्टन में, स्पेसिफिकली न्यू मिल्टन में, जहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन मोस्टली चल रही है. और जब मैंने घर पे बताया था ना कि मिल्टन में घर लिया, तो मम्मी कह रही वही मिल्टन जिसकी बॉटल्स आती थी पानी की. फिर मैंने रियलाइज किया एक्चुअली में मिल्टन की बॉटल्स आती थी इंडिया में. बहुत फनी था, एक्चुअली बहुत फनी था. और ये बहुत ईजी है आपको भी रिमेम्बर करने के लिए, कभी आप हमें मिलो तो आपको याद रहेगा मिल्टन की बॉटल्स जैसे थी इंडिया में, हम उस जगह पे रहते हैं. मतलब इतना महंगा घर ले लिया, मिल्टन की बॉटल से कंपैरिजन हो रहा है. सो कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी हमें पूछ सकते हो इस बारे में, कोई भी आपका क्वेश्चन है इसके रिलेटेड. और मिल्टन में अगर आप हो तो डोंट हेजिटेट टू से हाई टू अस व्हेन एवर यू सी अस. जैसे आप स्टोर्स वगैरह में मिलते हो, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि मिल्टन में भी हमारे जान पहचान वाले हमारे फॉलोअर्स हैं. सो ये सारी हमारी प्रेफरेंसेस थी घर डिसाइड करने के लिए, एरिया कौन से में लेना है वो डिसाइड करने के लिए. हो सकता है आपकी कोई एडिशनल प्रेफरेंसेस हो, कमेंट डाउन बिलो, मे बी उससे लोगों को हेल्प हो सके, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड कर सकते हो तो दैट विल बी ग्रेट. अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, मिल्टन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, हॉल्टन रीजन में शेयर कर सकते हो, जो ओकविल में भी रहते हैं, घूमते रहते हैं हम इधर उधर ओकविल के आसपास. सो टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड स्टिक अराउंड.